good morning all of you this is praveen patwari i qualified as a chartered accountant and i have cleared 14 out of 15 actual exams i have mentored more than 2000 plus actual aspirants on an estimate basis 30 plus students uh, they have बेसिकली अचीव द प्रीमियम स्टेटस ऑफ अ फेलो ऑब्लिक एसोसिएट एक्चुअली ठीक है सो एक्चुअली स्कोर्स है क्या एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके क्या क्या माइनसेस है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है सो एक्चुअली स्कोर्स जो आया इंडिया में वो लास्ट दस साल में एक राइजिंग ट्रेंड पर आया पहले क्या होता था सिर्फ इंश्योरेंस और थोड़े बहुत फाइनेंस रोल्स

पहले क्या होता था सिर्फ इंश्योरेंस रिलेटेड फील्ड्स सिर्फ आपके इंश्योरेंस रिलेटेड फील्ड्स कुछ पेंशन कंपनीज़ ठीक है ना कुछ थोड़े बहुत पेंशन कंपनीज़ थे थोड़ा बहुत आपका एनालिटिक्स रिलेटेड वर्क तो दबा हुआ था हमारा कोर्स दबा हुआ था हमारा कोर्स बट लास्ट दस साल में अगर आप देखेंगे आज के दिन का अगर मैं बात करूं तो वी हैव द बिग सिक्स फॉर्म्स बिग में आपका कौन कौन आ गया के पी एमजी एनवाई पीडब्ल्यूसी डेलोइट ग्रैंड बी बीडीओ उसके बाद में जितने भी सारे टॉप एमएनसी कंपनीज है ऑल अक्रॉस द ग्लोब उनमें से बहुत सारों का इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट है कोविड के बाद में लोगों को इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस पता चला नाउ द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई ट्वेंटी नाउ द करेंट स्टेटस इन इंडिया इज दैट इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी इंडिया में बहुत कम है इट्स वेरी लो लाइक रफली अराउंड समझ लो सिक्स और सेवन परसेंट होगा बट धीरे धीरे करके इंडिया मूव कर रहे टूवर्ड्स डेवलप्ड इकोनॉमी 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड सौ साल के बाद में लाइक टू थाउजेंड फोर्टी सेवन तक जब हमारा इकोनॉमी वो लोग बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी होगा वो लोग बोलते हैं इंश्योरेंस फॉर सब आदमी के पास में इंश्योरेंस रहेगा ठीक है लेट स्टार्ट वॉट इज इंश्योरेंस वट इज इंश्योरेंस से हम लोग चालू करते हैं कि इंश्योरेंस एक्चुअल में है क्या सो बेसिकली इंश्योरेंस क्या है इंश्योरेंस एक तरीका है कि हम लोग अपने कैश फ्लो को स्टेबिलाईज कर सकते हैं कैश फ्लो को स्टेबिलाईज करने का मतलब क्या है होता क्या है देखो हम लोग कंपनी को जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक प्रीमियम देते हैं बदले में जो भी कॉन्टिंजेंट इवेंट है कॉन्टिंजेंट इवेंट का मतलब क्या होता है वॉट इज कॉन्टिंजेंट इवेंट कॉन्टिंजेंट इवेंट का मतलब होता है मान लो मेरे लाइफ को कुछ हो गया मेरी गाड़ी को कुछ हो गया मेरे हेल्थ को कुछ हो गया मेरे घर को कुछ हो गया कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई हम लोग का मूवी टिकट का पैसा वेस्ट मेरा कुछ अर्जेंसी आ गया मैं फ्लाइट नहीं बोर्ड कर पाया मेरा बैगेज चोरी हो गया मैं बाहर पढ़ने गया वहां मेरे को, आ, कोई टाइप का मेडिकल प्रॉब्लम हो गया फॉरेन में मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव होता है ठीक है ना, so, इन सारे टाइप के जो कॉन्टिंजेंसी है इससे हमको एक इंश्योरेंस बचाता है ठीक है पहले के लोगों में यह था कि भाई पैसा बचाओ अगर कोई टाइप का टाइपेंट इवेंट आएगा तो फिर क्या होगा बढ़ तो रहा है इंडिया इज बिकमिंग ग्लोबल हब क्योंकि इंडिया में क्या है काम अच्छा है यहां के एक्सपर्ट एंड पूरा दुनिया का काम इंडिया पे आ रहा है जितना भी सारा बड़ा बड़ा फॉर्म है ये लोग सब अपना जो बेसिकली uh, एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया में बना रहे हैं, तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। पहले क्या होता था अगर मान लो पहले तो बहुत लोग सुनते भी नहीं थे लाइक जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में आया था मैंने फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के मुंह से सुना था कि एक्चुअली बोलकर कुछ होता है बट आज के दिन पे बहुत सारा अवेयरनेस है पहले लोगों को कंप्लीट करने में भी टाइम लगता था कोर्स को मे बी दस साल नौ साल बट आज के दिन पे अगर कोई डेडिकेटेडली पढ़े तो वो इस कोर्स को लगभग लगभग पांच साल में कर सकता है ठीक है चार से पांच साल में आप एक एग्जाम क्वालिफाइड एक्चुअली बन सकते हैं एंड इस कोर्स को करने के लिए आपको तीन साल का मैंडेटरी वर्क एक्सपीरियंस चाहिए बट जो एग्जाम्स है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है आपको कंसिस्टेंटली दिन का दो से तीन घंटा पढ़ना पड़ेगा इतना तो देखो बनता ही है अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं तो आपको दो से तीन घंटा रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा आने वाला पांच साल ठीक है दिस इज द टाइम कमिटमेंट दैट द कोर्स डिमांड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये कोर्स करने से क्या होगा सो so, बेसिकली ये कोर्स करने से आपका जॉब कहां कहां लगेगा पहले इसका बात कर लेते हैं द होल ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंश्योरेंस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस सो बेसिकली जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें भी आप देखोगे देर इज आपके घर का आपके गाड़ी का ठीक है मरीन इंश्योरेंस जो बेसिकली जो कार्गो वगैरह जो होता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस और भी बहुत सारे जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस अभी जैसे जो, जो नेचुरल कैलामिटी हो रहा है आप देख रहे हो इतना जो वेदर जो चेंजेस हो रहा है वेदर के वजह से जो डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं वेदर चेंजेस के वजह से जो फाइनेंशियल लॉस आ रहा है उसको कैसे बेसिकली कम किया जा सकता है ठीक है ना इंसान के बॉडी पार्ट का भी इंश्योरेंस हो रहा है आज मैं पढ़ाता हूं तो मेरे जबान का ज्यादा वैल्यू है ठीक है कोई अगर फुटबॉल खेलता है तो उसके पैर का ज्यादा वैल्यू है तो वो लोग अपना बॉडी पार्ट का भी इंश्योरेंस करा रखे इंडिया में दांत में दर्द जो डेंटल इंश्योरेंस होता है ना उसको अभी इतना महत्व धीरे धीरे करके मिल रहा है नहीं तो पहले दांत में दर्द हुआ दवाई ले लेते हैं बट अभी धीरे धीरे करके ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस है ये इंडिया में आ रहा है आज के दिन पे फोन इतना महंगा आता है आप देखते हो अगर आप एक लाख रुपए का फोन लेते हो तो वो क्या बोलता है आपको आप एक लाख रुपए का फोन लेते हो बोलता है सर इसका दस परसेंट को दीजिए दस हजार रुपया अगर आपका फोन चोरी हो गया पानी में गिर गया आग लग गया टूट गया तो हम लोग आपको पूरा रिकवर करके देंगे आपका जो भी कॉस्ट आएगा सो दिस इज इंश्योरेंस अब कंपनी क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से प्रीमियम इकट्ठा कर रहे और वो क्या कर रहे हैं क्या सबका फोन टूट जाएगा नहीं क्या सबका फोन पानी में भीग जाएगा नहीं सो so, कुछ लोगों का कॉन्टिंजेंट इवेंट आएगा और उसका वो लोग प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं सो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करने के बाद में क्या होता है वो लोग पहले निकालते हैं कि मेरे को ऑन एवरेज कितने लोगों को देना पड़ेगा मान लो दस हजार रुपया लिया दस हजार रुपया लिया एक करोड़ लोगों से एक करोड़ लोग से दस हजार रुपया लिया तो कितना का रेवेन्यू आया दस हजार करोड़ का ठीक है प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रॉय का फाइव परसेंट और अगर हुआ तो पूरा फोन रिप्लेस करके देना पड़ेगा एक लाख रुपया का ठीक तो है तो पांच परसेंट प्रोबेबिलिटी है ठीक है सो अगर प्रोबेबिलिटी है तो एक लाख रुपया का फोन आपको देना पड़ेगा ठीक है तो क्या सबका फोन टूटेगा सबका फोन खराब होगा नहीं तो इस तरीके से वो लोग प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं अपना आउटगो को एस्टिमेट करते हैं और उस हिसाब से ये लोग प्राइसिंग पे आते हैं कि भाई हम लोग को दस हजार रुपया चार्ज करना चाहिए कि हम लोग को आठ हजार रुपया चार्ज करना चाहिए कि हम लोग को छह हजार रुपया चार्ज करना चाहिए ठीक है और क्या है पेंशन में हम लोग काम कर सकते हैं पेंशन मतलब क्या होता है आप जैसे कहीं पर भी आप देखो जो आपका कंपनी है उसके जो एम्प्लॉज है जब वो रिटायर होते हैं उसके बाद में उनका कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है सो बेसिकली पेंशन हेल्प देम विथ सम स्टेबल अमाउंट ऑफ मनी वेन दे आर नॉट वर्किंग सो बेसिकली हम लोग पेंशन में काम कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स में हम लोग काम कर सकते हैं बिकॉज वे आर वेली वेल एक्वेंटेड विथ एम एस एक्सएल सॉफ्टवेयर्स लाइक वीबीए एसक्यूएल पाइथन आर प्रोग्रामिंग हम लोग उस फील्ड में भी काम कर सकते हैं ठीक है ऑल द बैंकिंग फाइनेंशियल इक्विटी ट्रेडिंग बिकॉज वी आर वेरी गुड विथ रिस्क मैनेजमेंट वाई ट्रेडिंग वाई ट्रेडिंग इट इज नॉट अ कोर जॉब वहां आपका एक्चुअली नॉलेज का कैसे काम में आएगा एक्चुअली बन के वी आर वेरी गुड विथ रिस्क मैनेजमेंट we know how to estimate the probabilities of uncertain outcomes and how to mitigate those risks ताकि फायदा हमेशा हमारे कंपनी का ही हो ठीक है आज मान लो अगर बहुत ज्यादा सूखा हो जाए बारिश नहीं हो तो क्रॉप डैमेज हो जाएगा सो so, पहले से ही एग्रीकल्चर इंश्योरेंस करा के रखते हैं किसान लोग के लिए ताकि वो लोग को एकदम जो बेसिक नेसेसिटी है उससे वो लोग को वंचित ना होना पड़े ठीक है ना सो बेसिकली दैट इज हाउ इंश्योरेंस इज चेंजिंग एंड बेसिकली इट इज हेल्पिंग पीपल स्टेबिलाईज द कैश फ्लो जितना भी सारा इक्विटी फॉर्म्स है वहां पर हम लोग काम कर सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्म्स में हम लोग काम कर सकते हैं क्यों बिकॉज एक्चुअली जो एरिया ऑफ स्टडी है जो एरिया ऑफ स्टडी है वो है आपका मैथ्स स्टैट्स उसके बाद में आपका आएगा बैंकिंग उसके बाद में आपका आएगा फाइनेंस उसके बाद में आपका आएगा इकोनॉमिक्स उसके बाद में आपका आएगा स्टॉक मार्केट्स ठीक है उसके बाद में इसमें आपको मॉडलिंग सिखाएंगे एक्सेल पे ठीक है उसके बाद में यू विल बी वेरी गुड विथ कम्युनिकेशन यू विल बी वेरी गुड विथ कम्युनिकेशन ठीक है ना यू विल बी वेरी गुड विथ केस स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम एंड दिस कोर्स ऑल्सो अलाउज यू टू स्पेशलाइज स्पेशलाइज मतलब देर आर थर्टीन पेपर्स तो जो पहला दस पेपर है वो कंपलसरी है जो लास्ट का तीन पेपर है ना आप उस एरिया में स्पेशलाइज करोगे जहां आप काम कर रहे हो जैसे कि अगर आपको फाइनेंस में स्पेशलाइज करना है आपको पेंशन में स्पेशलाइज करना है आपको लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट ऐसे करके बहुत बैंकिंग आपको बहुत सारा फील्ड दिया हुआ है आप उनमें से कोई भी फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हो ठीक है ना सो दिस वॉज वॉट वी स्टडी सो देर इज अ गुड मिक्स ऑफ द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं

वो आप आसपास में इमेजिन कर पाओगे जब आप क्लास इलेवन में गए इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेशन आप कहीं पर इमेजिन नहीं कर सकते हो बट आई से मैं एक सामान सौ का खरीदा मैं एक सौ बीस में बेचा मेरा प्रॉफिट बीस रुपया something जो लो देखते हैं जो सारा ग्रोसरी स्टोर लोग करता है जो सब लोग करते हैं राइट right? बट आप इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कहीं पर भी इमेजिन नहीं कर पाते हो यहां पर हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन को टू कैलकुलेट द लाइफ एंड डेथ प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन टू टू ग्रो योर मनी

एप्लीकेशन बेस्ड रियल लाइफ बेस्ड सो इन पेपर डिडेजाम जिसमें देना चाहिए ठीक है तो आइए मैं आपको बताता हूं थर्टीन पेपर सबसे पहले एक को चालू करना चाहिए सीएम वन या फिर सी वन से बेसिकली सी एम पेपर ऑन बैंकिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड सी एस बेस्ट एग्जाम भी होगा एंड जितना भी सारा एस कोड्स का एग्जाम होगा उसमें आपका आर प्रोग्रामिंग का, का भी एग्जाम होगा ठीक है ए नॉर्मल में एक पेपर को पढ़ने के लिए आपको 200 घंटा चाहिए एक बार फिर आप एक बार रिवीजन करोगे 100 घंटा फिर एक बार रिवीजन करोगे तो 400 घंटा आपको पढ़ना है छह महीना में बेसिकली 400 घंटा आपको पढ़ना है 180 दिन में तो लगभग लगभग दो से तीन घंटा आपको हर रोज पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि आपका सोशल लाइफ चला जाएगा आप कहीं जा नहीं पाओगे वैसा बिल्कुल नहीं है ठीक है तो बेसिकली सीएम वन या फिर सी एस वन इफ यूर वेरी इंक्लाइन टू स्टडी स्टैट्स तो आप सी एस वन से चालू करो इफ यू आर वेरी इंक्लाइन टू स्टडी मैथ्स तो आप सीएम वन से चालू कर सकते हो ठीक है सो बेसिकली जो पहला एग्जाम है वो ये होता है एंड इसके संग अगर आपको ये है कि मैं एक घंटा और पढ़ सकता हूं या फिर पढ़ सकती हूं तो आप इसके संग एक सीबी पेपर भी ले सकते हो सो बेसिकली सीबी में आपके तीन आते हैं समथिंग जो एकदम बकवास पेपर पेपर है इट इज अ ऑन बिजनेस मैनेजमेंट वो उसमें ऑनलाइन गेमिंग होता है आपको कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है तो सीबी थ्री हम लोग बोलते हैं हमेशा आप टुवर्ड्स दी एंड दो स्टार्टिंग में आप सीबी थ्री मत दो ठीक है सीबी थ्री शुड बी योर क्वालिफाइंग पेपर मतलब थर्टीथ या फिर ट्वेल्थ पेपर क्योंकि वो कंपनी पैसा देता है उसका मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे गिव यू री एम्बर्समेंट फॉर सीबी थ्री सो बेसिकली सीबी थ्री इज नॉट अ पेपर सीबी वन एंड टू में सीबी वन इज फाइनेंस सीबी वन जो है वो है आपका फाइनेंस बेस्ड पेपर एंड जो सीबी टू है वो है आपका इकोनॉमिक्स बेस्ड पेपर सो जो फाइनेंस बेस्ड पेपर है उसमें आपको पूछेंगे अकाउंट्स ऑडिट टैक्सेशन रिलेटेड ठीक है ना जनरल फाइनेंस बेसिकली कंपनी में आईपीओ कैसे आता है एंड ऑल कंपनी uh, का स्ट्रक्चर कैसा होता है डेट इक्विटी ठीक है ये सब सबके बारे में आपसे पूछते हैं तो सीबी टू इज अ पेपर ऑन इकोनॉमिक्स जहां पर आपको माइक्रो माइक्रो में डिवाइडेड है सो so, जो सीबी लेवल जो एग्जाम्स है उसमें आपको रफली हंड्रेड आवर्स पढ़ना पड़ेगा एंड जो सीएमसीएस एग्जाम्स है उसमें आपको दो सौ घंटे पढ़ने पड़ेंगे ठीक है ये आपका टर्म वन हो गया ठीक है इसके बाद में अगर आपने चालू किया है सीएम वन से तो आप अगले अटेम्प्ट में दोगे सीएस वन ठीक है एंड आपने एक सीबी पेपर यहां क्लियर किया तो आप एक और सीबी पेपर यहां पर दे सकते हो इसलिए मैं यहां पर उल्टा कर देता हूं मैं यहां पर सीबी बेसिकली अगर आपने आपने यहां 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 दिया दिया है तो 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 आप आप दोगे दोगे इज द पेपर ऑन फाइनेंस इज द पेपर ऑन इकोनॉमिक्स सी एस वन मैं यहां पर डाल देता हूं ऑब्लिक सी एम वन अगर आपने यहां सी एम वन से चालू किया तो आप यहां सी एस वन दोगे अगर आपने यहां सी एस वन से चालू किया तो यहां आप सीएम वन दोगे सो तो बेसिकली पहले ही साल में आप चाहो डेडिकेटेडली अगर आप दिन का तीन से चार से पांच घंटा पढ़ोगे तो आप पहले ही साल में चार एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो वी विल नेवर सजेस्ट कि आप दो बड़ा पेपर दो बड़ा पेपर का मतलब होता है सीएमसीएस हम लोग हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक बड़ा पेपर और एक छोटा पेपर आप उसके साथ में दीजिए ठीक है अगर आप एक बड़ा पेपर और अगर आप एक छोटा पेपर दोगे तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कैन अपियर फॉर ठीक है ना सो so बेसिकली अगर मैं एकदम दोबारा समझाता हूं

हम आपका टैलेंट देखेंगे अगर हमको लगता है कि आपको एक और छोटा पेपर लेना चाहिए तो हम लोग सामने से आपको आके सजेस्ट कर देंगे ठीक है ना सो so वैसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको दो पेपर लेना ही है स्टार्ट ओनली वन पेपर अगर आपको एक महीना कंफर्टेबल लगता है तो फिर आप आगे उसको करो ठीक है ये हो गया फिर टर्म थ्री में आप दे सकते हो सी एस टू विच इज रिस्क मॉडलिंग का पेपर ठीक है ना सी एस टू का जो पेपर है ये बेसिकली अगेन हायर लेवल स्टेटिस्टिक्स एंड आर प्रोग्रामिंग ठीक है सो बेसिकली रिस्क मॉडलिंग का पेपर है ये सो so, इसमें भी आपको स्टैट्स एंड आर प्रोग्रामिंग तो इस थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम है तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं जनरली कि सी एस टू के साथ में आप कोई भी पेपर ना दो सी एस टू के साथ में आप कोई भी पेपर ना दो ठीक है बट अगर कोई चाहे तो वो सीबी लेवल अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो वो यहाँ यहाँ पर दे सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है अगेन देर इज टर्म फोर उसमें आप दे सकते हो सीएम टू अगर यहां पर मान लो सीबी लेवल एग्जाम्स नहीं क्लियर हुए तो या तो इसको यहां दे दो या फिर इसको यहां दो सी एम टू इज अ पेपर ऑन स्टॉक मार्केट्स इज अ पेपर ऑन स्टॉक मार्केट्स एंड राउंड एंड मोशन सो बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत आपका कैलकुलस है जो लाइफ में पहली बार पढ़ते हो बाकी दिस इज टोटली ऑन स्टॉक मार्केट्स जहां पर आपको बेसिकली मीन मीडियम से सिखाएंगे कैसे रिटर्न कैलकुलेट होता है एंड वट आर द रिस्क मेजर्स उसके बाद में देर आर वेरियस मॉडल्स इंटरेस्ट रेट मॉडल्स हैं फाइनेंशियल मॉडल्स है देर इज डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन उसका डेरिवेशन बाइनोमल मॉडल सो इट्स इन डेप्थ ऑन स्टॉक ट ठीक है सो बेसिकली दीज आर दी पेपर आपका पहला स्टेज विच इज द कोर प्रिंसिपल स्टेज ठीक है ना तो so सात पेपर है सीबी थ्री मैंने बोला वो आपको अभी नहीं देना वो आप बाद में दोगे लाइक इट शुड बी ऑर मे बी योर टेंथ एग्जाम वो कोई वो आप कभी भी दे सकते हो ठीक है ना उसका कोई इशू नहीं है सो so ये ये आप पहला चाहो तो पहले दो साल में आप ये छह पेपर क्लियर कर सकते हो जो आपका स्तंभ है स्तंभ मतलब बेसिकली जो पिलर्स होते हैं एक जो बिल्डिंग जो बनता है उसके जो पिलर्स होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो स्तंभ है वो ये बेसिकली uh, ये आपके छह पेपर्स माने जाते हैं ठीक है उसके बाद में इन योर टर्म फाइव उसके बाद में इन योर टर्म फाइव यू गिव अ चैलेंजिंग पेपर विच इज सी पी वन एक्चुअल प्रैक्टिस नेक्स्ट स्टेज विच इज कोर प्रैक्टिस को प्रैक्टिस अगेन इन दीस थ्री एग्जाम सीपी वन इज वेरी इजी सॉरी सीपी वन इज वेरी चैलेंजिंग एंड इन योर टर्म सिक्स एंड योर टर्म सेवन सो सीपी वन इज एक्चुअल प्रैक्टिस इसमें बेसिकली क्या होता है वो लोग आपको बोलेंगे कि एक एक्वेरियम बनाना है सो एक्वेरियम कहाँ बनाना है एक्वेरियम के आसपास में क्या होना चाहिए एक्वेरियम का कैश फ्लोस कैसे आएगा एक्वेरियम बनेगा तो कैसे बनाना है उसमें क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है एक्वेरियम में मछलियाँ कहाँ से आएंगी कौन कौन हमारे वेंडर्स होंगे सो so, बेसिकली आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे यहां पर कुछ भी आपका इमेजिनेशन आपका बेसिकली uh, आप कितना पॉइंट्स कर पा रहे हो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैंक लॉस में जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है द काइंड ऑफ रहे बैंक कैन फेस ठीक है आज जैसे यूएस में 2006-7 में जो क्रेडिट क्राइसिस हुआ वो क्यों हुआ बिकॉज लोन्स वे गिवेन टू सब प्राइम बोरोवर्स मतलब जिसका औकात नहीं है लोन का उसको भी लोन पास हो जा रहा था बिकॉज बैंक मैनेजर्स हैविंग अ कमीशन कि आप जितना लोन पास करोगे आपको उतना कमीशन मिलेगा ठीक है स्टडी पढ़ना है जैसे मैं आपको बताता हूं सी एम वन में क्या है आप छह दिन पढ़ रहे हो एक दिन हल्का नहीं पढ़ा चल जाएगा बट ये एक ऐसा एग्जाम है जहां आपको तीन से चार महीना लगातार एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ना है बिकॉज लोग ऐसा बोलते हैं कि तेरा का तेरा पेपर में बहुत ज्यादा मैथ्स है बहुत ज्यादा स्टैट्स है अगर तेरा मैथ्स में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड नहीं आए ना तो तू नहीं कर सकता ऐसा नहीं है अगर किसी का बेसिकली अगर कोई प्योर मैथ्स स्टूडेंट है और अगर कोई बिजनेस मैथ्स का स्टूडेंट है जैसे मान लो बिजनेस मैथ्स वाले लोगों को थोड़ा बहुत एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा एंड वो लोग अगर थोड़ा बहुत मैथ्स पे ज्यादा फोकस करते हैं तो वो लोग को आगे भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको जो भी न्यूमेरिक्स देखने को मिलेंगे, मिलेंगे। क्योंकि मिलें। मिलें। तो यहां पर आपको बेसिकली केस स्टडी बेस्ड पेपर आता है ठीक है सो सीपी वन उसके बाद वाले में आपको जैसे मैंने बताया कि आपको जैसे दो स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स आपको दो लिस्ट ऑफ टू जिसमें से आपको एनी टू देना है ठीक है सो बेसिकली आप यहां पर दे सकते हो एसपी का पेपर वन एसपी का पेपर वन और उसके संग में आप क्लब कर सकते हो सीपी टू ऑब्लिक सीपी थ्री सो सीपी टू इज अ पेपर ऑन मॉडलिंग एंड सीपी थ्री इज अ पेपर ऑन कम्युनिकेशन ठीक है ना सो बाय दिस टाइम इफ यू आर वर्किंग इफ यू आर वर्किंग तो आपको ऑलरेडी पता होगा फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ डोमेन में काम कर रहे हो तो आप हेल्थ का पेपर दोगे अगर आप लाइफ डोमेन में काम कर रहे हो अगर आप फाइनेंस डोमेन में काम कर रहे हो आप रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स वो वाला पेपर दोगे राइट अगर आप कैपिटल मॉडलिंग कर रहे हो तो तो वो आपको देखना पड़ेगा आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है वही वाला स्पेशलिस्ट पेपर दोगे सो बेसिकली टू स्पेशलिस्ट यू नीड टू गिव इन द सेवेंड टर्म यू कैन गिव एस पेपर टू अलॉन्ग विद यू कैन कंप्लीट सीपी टू थ्री So, अगर मान लो आपने यहां पर सीपी CP3 थ्री दिया CP3 is a paper on so, हम लोग जैसे बोलते हैं वर्ड मॉर्बिडिटी सो एक लेमैन को मे बी एक बार में नहीं समझ so, to so, एक्चुअल ऑडियंस को उतना नहीं समझ में मैं बोलता हूं कोई एक पर्टिकुलर एजम्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ तो हो सकता है अभी आप लोग को उतना नहीं समझ में आ रहा है so, उ कैन वी कम्युनिकेट एक्चुरल टर्म्स टू नॉन एक्चुरिकेट सो इट अ पेपर ऑन कम्युनिकेशन सीपी टू इज अ पेपर ऑन मॉडलिंग सो मॉडलिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली हाउ आपको पूरा एक्सेल पे मॉडल बनाना पड़ेगा बेसिकली वो लोग आपको पूरा एक देंगे केस स्टडी बेस देंगे और वो आपको पूरा एक्सेल पे कंप्लीट करना है हाउ टू कीप चेक्स एक्सन में बहुत बार एरर्स का भी वो होता है तो वो सब सब पूरा आपको मॉडलिंग का वो यहाँ पर करना है सो so, ये दोनों एग्जाम्स अगेन दे आर वेरी सिंपल वन के लिए बोल दिया था यू आर प्रैक्टिस तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा नाउ डेज स्टूडेंटो दीज एग्जाम सो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता नाउ नेक्स्ट कम्स द एथ एक्साम एथ बेसिकली एट टर्म विच इज द एसे पेपर विच इज द एसे पेपर स्पेशलिस्ट एडवांस स्टेजेस कोर प्रिंसिपल्स र प्रैक्टिस स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट एडवांस्ड सो बेसिकली फोर स्टेजेस यहां पर आपके हैं सेवन एग्जाम्स यहां पर है तीन यहां पर है दो और यहां पर है एक अगेन स्पेशलिस्ट एडवांस पेपर में भी बहुत सारे एग्जाम्स है आप सिर्फ वही एग्जाम दोगे जो आपके इंटरेस्ट का है आप वही एग्जाम दोगे जो आपके इंटरेस्ट का है ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर एग्जाम्स हो सकता है मैंने पर चार तो, आ, चार साल टर्म में बनाया हो सकता है किसी को पांच साल दस टर्म भी लग जाए ठीक है इट्स एवरीबडी सबका खुद का अपना टाइम है ऐसा कोई स्ट्रेस और प्रेशर नहीं लेना है अगर आपको एक एक पेपर करके देना है आप इजिली इसको छह साल में कंप्लीट कर सकते हो जरा थर्टीन एग्जाम जो है सीबी थ्री आप कभी भी दे सकते हो अगर आप एक पेपर भी दोगे तो भी आपका छह साल में कंप्लीट हो जाएगा ऑन एन एवरेज अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी कोर्सेज के साथ में तो एम जब आप करते हो आप कॉलेज के बाद करते हो सो अगेन अगे साल ग्रेजुएशन का अभी तो दो साल हो गया तो एम साल ग्रेजुएशन का छह साल सी आपको पांच से साल लगता है तो एक्चुअली इज फुल टाइम कोर्स जहां पर आपको पांच से छह साल डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करना पड़ता है नॉ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी स्केल सो जब आप एज अ फ्रेशर ग्रेजुएट करते हो तो फ्रेशर आपको दो तीन तरीके से पैसा मिल सकता है जैसे आप या तो इंटर्न की तरह कहीं पर चालू करते हो तो अगर आप इंटर्न की तरह चालू करते हो तो इंटर्नशिप में आपको लगभग थर्टी टू फोर्टी के मिलता है इट कैन गो डाउन टू फिफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड ऑल्सो इट डिपेंड्स बट ऑन एवरेज अगर आप देखोगे थर्टी थाउजेंड का आपको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है ठीक है सो आपको कंपनी का मान लो पंद्रह हजार है तो वो कंपनी नहीं बढ़ा रहा है उसमें मेरा कुछ नहीं है बट मोटा मोटी आपको बीस से बीस से चालीस हजार के रेंज में मिलता है ठीक है इंटर्नशिप सो so, यहाँ पर बेसिकली आपका जो पेपर्स क्लियर रहता है वो मोटा मोटी मैं बोलता हूँ देखिए तीन पेपर तो क्लियर होना ही चाहिए तो थ्री टू सिक्स और यही अगर आप कॉलेज अच्छा है आपका आपका प्लेसमेंट सर जैसे हम लोग के थ्रू भी प्लेसमेंट लगता है लाइक वी आरिंग हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट असिस्टेंस मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई बच्चा अनप्लेस रह गया सो हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट असिस्टेंस है ये तो मार्केट की कृपया भगवान का दे है तो so, इंटर्न की जगह अगर आप मान लो आप एज अ एनालिस्ट ज्वाइन करते हो मैंने आपका जॉब लग जाता है एज अगर आप एनालिस्ट ज्वाइन करते हो सो so, एनालिस्ट का रहता है लगभग सिक्स टू एट लैक्स सिक्स टू एट लैक्स रहता है कुछ कुछ कंपनीज का कम भी है तीन चार लाख पांच लाख भी है कुछ कुछ कंपनी का ज्यादा भी आठ नौ लाख के आसपास भी है ठीक है सो so, यहाँ पर भी मैं पेपर का यही रख रहा हूँ थ्री टू सिक्स पेपर्स अब जैसे ही आप इसमें क्या होता है ना पेपर बेस इंक्रीमेंट मिलता है और एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलता है पेपर बेस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? आपने कंपनी में गया और आपने जाते ही चार पांच दो तीन पेपर्स निकाल दिए तो हर पेपर का मोटा मोटी लाख डेढ़ लाख रुपए का इंक्रीमेंट रहता है इट कैन गो डाउन टू सिक्सो डिपेंडिंग ऑन द पेपर डिफिकल्टी लेवल कंपनी कंपनी टू पॉलिसी बट ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज हैविंग अ गुड स्टडी पॉलिसी ठीक है ना बिकॉज कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि दे हेल्प यू टू बिकम अ क्वालिफाइड एक्चुअली ठीक है तो अगर आपका जीरो टू वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है एंड आपका जीरो मान लेते हैं सो so आपके पेपर काउंट यहां पर हो जाते हैं नाइन टू टेन ठीक है ना सो so यही सैलरी के आपका लगभग ऑन एवरेज बारह लाख का हो जाता है ठीक है आपका दो से चार साल का एक्सपीरियंस है आपके यहां पर पेपर हो जाते हैं ग्यारह बारह मतलब क्वालिफिकेशन के लिए एक या फिर दो पेपर बाकी है ठीक है यही आपका सैलरी हो जाता है लगभग लगभग सत्रह लाख मैंने प्लस माइनस दो तीन लाख आप करके चलना बिकॉज कंपनी से अगर आप इसमें क्या होता है आप अगर कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आप एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका सैलरी जनरली ज्यादा होता है यही अगर आप कोर कंपनी में काम कर रहे हो कोर कंपनी का जो वर्क क्वालिटी होता है बहुत अच्छा होता है

अगर आप दो से चार साल और जैसे ही आप बेसिकली मान लीजिए लेस देन फोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में अगर आप बन जाते हो सो तो आपका वहीं पर मोटा मोटी ऑन एवरेज ट्वेंटी फाइव लैक्स का सैलरी बन जाता है अगर आपके सारे तेरह के तेरह पेपर क्लियर हो जाते हैं तो सो बेसिकली दिस इज अप्रॉक्सिमेटली द सैलरी रेंज और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक करोड़ दो करोड़ का पैकेज है तो ऐसा फालतू बस सुन के मत आइएगा ठीक है सो दिस इज द थिंग एंड लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटीज़ सोसाइटी आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो सो so बेसिकली आप इसको आई एफ ओ ए इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑफ इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज से कर सकते हो और अभी एक अपकमिंग बॉडी है इंडिया के मार्केट में वो है सो so ये तीनों से आप इस कोर्स को सोसाय कर सकते हो वी एट सोसाइटीज सो अब जैसे अगर हम लोग कॉन्टेंट का बात करेंगे तो ये दोनों का जो कॉन्टेंट है ये बिल्कुल सेम है एसओ का अपना खुद का कॉन्टेंट है बट सिमिलर लाइन पे ही है इसका एग्जाम टेस्टिंग जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है ना आई हैविंग होम बेस्ड एग्जाम

वो तुरंत आपको बता देंगे कि आपका मोटा मोटी स्कोर कितना है आप पास हुए कि फेल हुए बट यहां पर क्या है यहां पर आपको लगभग लगभग दो महीने के बाद में आपका रिजल्ट आता है सो बेसिकली प्लान ऐसे होता है आपका एग्जाम हुआ मान लीजिए अप्रैल में तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो जून एंड तक आएगा या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में आता है सो so, ये दो महीने का एक लैग रहता है ठीक है मोस्ट अगर आप देखोगे अभी अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूं सो आई एफ ओ डोमिनेट्स इंडियन मार्केट 50% ऑफ द क्राउड दे डूइंग इट फ्रॉम आई एफ ओर रफली अराउंड थर्टी थर्टी फाइव परसेंट देर डूइंग इट एंड एसओ का बहुत कम है लगभग पंद्रह से बीस परसेंट ही अभी उतना उतना भी नहीं है बट मोटा मोटी ये आप मान के चल सकते हो वाई आई एफ बिकॉज आई एफ ए का टेस्टिंग जो पैटर्न है द लेवल ऑफ क्वेश्चन वो आपको बहुत ज्यादा मगिंग अप लाइन्स पर नहीं जाते हैं एंड बेसिकली होम बेस होने से द पेपर डिफिकल्टी हैज सो नाउ दे आर टेस्टिंग मोर ऑन द लाइक आर हिटिंग डिरेक्टली मतलब एक होता है ना मगिंग एग्जाम में गया इसका डेफिनेशन लिखो वैसा क्वेश्चन आपको पूरा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा सो इट्स नॉट दैट होम बेस है आप AI कर तो कोई भी बच्चा उनसे बच नहीं सकता उनकी नजरों से इनफेक्ट आई आई का भी प्रोप्टिंग होता है पूरा प्रॉपर सो so, वैसा मत सोचेगा कि भाई होम बेस हो गया तो मतलब लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी सेम ठीक है वैसा बिल्कुल नहीं है एंड बेसिकली मार्केट अभी बहुत ज्यादा एब्जॉर्बिंग है बेसिकली एक एक पर्टिकुलर एक जॉब की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या चाहिए होता है जॉब में आपको अच्छा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्जाम चीटिंग करके पास कर भी लिया और आप इंस्टीट्यूट की नजर से बच भी गए बट अल्टीमेटली क्या होगा आपको जॉब नहीं मिलेगा क्यों नहीं जॉब मिलेगा बिकॉज इंटरव्यू में दर गोइंग टू ग्रिल यू लाइक एनीथिंग वो आपसे वो आपसे हर चीज पूछेंगे वो आपसे एवरी एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ एस्पेक्ट दे आर गोइंग टू आस्क यू इन दी इंटरव्यू थ्री टू फोर राउंड ऑफ इंटरव्यू और वो लोग को पक्का समझ में आ जाता है कि भाई ये डम्मी है, इसने चीटिंग किया और इसको सही में है। ना अगर इंडियन इंडियन है, है आप देखोगे सिक्सटी में पास हो रहे फिफ्टी में पास हो रहे एंड एक्चुअलीर्स वही करता है जो स्कूल का बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है बिकॉज देखिए ये एक फुल टाइम कोर्स है तो कोर्स तो चैलेंजिंग है ऐसा नहीं कि भाई मैंने समझा दिया

क्वालिफाइड फेलो एक्चुअली गाइडिंग अवर स्टूडेंट्स ओके सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर डूइंग एंड थ्रू अवर वास्ट इंडस्ट्री नेटवर्क ऑफ ओवर फिफ्टीन हंड्रेड प्लस वर्किंग स्ट्रॉन्ट्री बेसिकली वी आर हेल्पिंग दउट इन प्लेसमेंट इन एंड आउट रिगार्डिंग एवरीथिंग आपका सीवी बनाना है आपको गाइड करना है कैसे क्वेश्चन आते हैं सो फॉर दैट वी हैव डेवलप्ड फोरम्स विच इज एआ क्यू फोरम्स डॉट कॉम ओके

जो उसमें एक बार आता है इट्स इट्स वेरी लाइक इट्स अगर आप मेहनत कर रहे हो सो so आपको रिसोर्सेज की, की कभी कमी नहीं होगी आपको अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं होगी ठीक है सो दिस इज द थिंग ओके एंड आई एम हैविंग फ्यू मोर टॉपिक्स विच अंडर ग्रेजुएट डिग्री बहुत एक क्वेश्चन आता है विच अंडर ग्रेजुएट डिग्री कैन वी डू अलॉन्ग विद एक्चुरीज जनरली रिक्रूटर्स दे लुक फॉर इको मैथ्स स्टैट्स ऑनर्स फ्रॉम अ गुड कॉलेज सो बेसिकली दिस इज समथिंग जिसमें मैं बाकी लोग से डिफर करता हूँ सो एक फ्रॉम अ गुड कॉलेज ओके सो बेसिकली आप इसके बाद बी कॉम कर सकते हो बीबीए कर सकते हो लाइक वी आर हैविंग वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड जैसे आ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है इंश्योरेंस कंपनीज में वो अभी हमसे कर रहे हैं वी आर हैविंग इंजीनियर्स ऐसा नहीं है कोर्स इज एक्चुअल साइंस तो ये साइंस देख के कॉमर्स के बच्चे हट जाते हैं देख साइंस अरे हम नहीं कर पाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है बेसिकली एक्चुअल साइंस एज अ कोर्स इज बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट वॉट आई फील एंड प्रीवियसली इंश्योरेंस डोमिनेटेड था बट आज के दिन पे बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल रोल्स खुल गए हैं जैसे सीए में क्या होता है ना सी इट्स लाइक कि आपको ऑडिट अकाउंट्स टैक्स दिस आर ट्रेडिशनल रोल्स बट आज के दिन पे सी ए मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी काम कर रहे दे रहा है सी एफ ऑफ टॉप एम एन तो बेसिकली बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल रोल्स भी खुल गए हैं ठीक है ना आप देखोगे Like जो स्टेटिस्टिक्स है जो स्टूडेंट का जो है वर्ल्ड इज गेटिंग मोर एंड मोर अनसर्टेन एंड वी एज एक्चुअली वी आर वेरी गुड इन प्रिडिक्टिंग द अनसर्टेन इवेंट्स एंड रिस्क कैन बी पूरा रिस्क को जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल बाढ़ को रोक नहीं सकते बट बाढ़ से जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकते पहले से प्रिकॉशंस लेके उसको इंश्योर करके ठीक है ना सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग राइट बेसिकली वर्किंग ऑन दंट्रोलेबल्स एंड नॉट ऑन दी अनकंट्रोलेबल्स ठीक है सो कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट कर सकता है बट यहां पर एक बेसिकली फील इज दैट की यहां पर आपको एक अच्छा कॉलेज अगर मिले एक अच्छा कॉलेज अगर मिले तो आपको वो ले लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपको अच्छा ऑपरचुनिटीज देगा नेटवर्किंग ऑपरचुनिटीज देगा अच्छा सराउंडिंग बनेगा अगर आपके मन में फिक्स है कि भाई मेरे को इको मैथ ही करना है तो डेफिनेटली आप वो करोगे मेरे मेरे को को ही करना है बीबीए ही करना है मेरे को डी यू जाके ही पढ़ना है मेरे को मुंबई यूनिवर्सिटी जाना ही है मेरे को कैलकटा में ही पढ़ना है अगर किसी कुछ प्रेफरेंस है तो वेल एंड गुड बट अगर नहीं है अगर नहीं है तो आई विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू अ गुड कॉलेज ओवर द कोर्स ठीक है ना बिकॉज जो भी इस कोर्स में आपको सीखना है वो तो आपको ये कोर्स सिखाएगा कि आपको स्टैट ऑनर्स होने से ही आप ये कोर्स कर सकते हो आप बीकॉम से हो गए तो ही तो ये कोर्स कर सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई भी बैकग्राउंड का लोग लोग कर सकता है द बेसिक जो जो हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चा प्योर से हो बच्चा प्योर मैथ से हो, में अच्छा खासा मैथ्स किया हुआ हो क्योंकि जो इनिशियल लेवल पेपर्स है सीएमसीएस में फिर उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा नॉन स्टूडेंट जनरली वी सी नो कि वो लोग एक्चुअली नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनको चैलेंजेस होंगे बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे अगर कोई फिर भी एकदम है कि नहीं मेरे को करना ही है आई कैन डू इट तो उनको पहले मैथ्स और स्टैट्स का कोर्स करना पड़ेगा जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में कराते हैं एंड देन दे कैन मूव ऑन टू द मेन पेपर्स ठीक है the, uh, papers, ना जो बिजनेस मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा मोड़ा मैथ्स आता है तो इनको सिखाया जा सकता है इनको दो से तीन महीने में जो भी रेलिवेंट पार्ट्स हैं एक्चुअली इसके मैथ्स का वो इनको सिखा सकते हैं एंड दे आर इक्वली एलिजिबल टू डू द कोर्स ठीक है course, ना पहले जैसे इंस्टीट्यूट ये बोलता था कि अगर किसी का मैथ्स में 85 परसेंट है मैंने 85 प्लस का स्कोर है तो वो लोग को हम लोग मेंबरशिप सो बेसिकली अगर कोई ये जानना चाहता है कि मैं एक्चुअली करूं कि नहीं करूं सो फॉर अस अ स्कोर 70 इज अ गुड स्कोर टू स्टार्ट विद एक्चुअली ठीक है ना अगर इससे कम है तो हमारे काउंसलर्स को कंसल्ट करके ही कोर्स को करना चाहिए ठीक है ना सेवेंटी इज अ डिसेंट स्कोर इन मैथ्स प्योर मैथ्स इफ यू आर गेटिंग समथिंग अब यू शुड स्टार्ट विद द कोर्स नो प्रॉब्लम ओके नाउ वी हैव टॉक्ट अबाउट वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड विच अब जैसे देखो कॉलेज का ऐसा है ना कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं जैसे मान लो जेवियर्स पे सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है कैलकाटा का सेंट जेवियर्स सेंट जेवियर्स का इको ठीक है और एस आर सी सी का बी कॉम सो बेसिकली देखो मैं मैं एक अच्छे कॉलेज को प्रे... अब दोनों ही अच्छे कॉलेजेस हैं मेरे को जेवियर्स में इको मिल रहा है मेरे को एस आर सीसी में बी कॉम मिल रहा है बच्चे ऐसे ही कंपेरिजन करतेदी एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ ठीक है एक एक हूं, तो अब अगर मान लीजिए मेरे को ये है ओपन मैं कहीं पर भी जाना प्रेफर करूंगा डी यू सबका सपना रहता है मेरे फैमिली से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स फाइन आई कैन गो टू आई कैन गो विद दिस ऑप्शन बट ये समझना कि भाई अगर तुम अपने होम टाउन में रहता है तुम दिल्ली से बिलोंग करता है तुम बॉम्बे से बिलोंग करता है तुम कहीं से तो होम टाउन में रहने से तुम दिन का दो से तीन घंटा सेव भी करता है वो काम जो भी तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे वो फिर तुमको सब कुछ करना पड़े जैसे एक होता है ना कि भाई अपना खुद का पर्सनल काम तुम्हारा बहुत बढ़ जाता है जैसे तुम घर से बाहर निकलते हो तो घर पे योर पेरेंट्स आर देयर टू टेक केयर तो अगर आपके वहां पर अच्छा कॉलेज है जैसे मान लो इफ आई एम फ्रॉम कैलकटा एंड मेरे को जेवियस में इको मिलता है या फिर बीकॉम मिलता है आई एम ओपन टू एनी कॉलेज तो मैं मैं यहां पर ले लूंगा ठीक है ना बिकॉज मेरे को इको भी मिल रहा है मेरे को अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है so, सो देखिए क्योंकि तो एक सर्टेन लेवल के बाद जाके ना इट्स ऑल हाउ यू आर एडिंग वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन वॉट स्किल सेट यू आर हैविंग मतलब एक अच्छा कॉलेज को मैं प्रेफरेंस दूंगा ठीक है तो आप जैसे एक और एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए कलकत्ता में कोई भी नॉर्मल कॉलेज में यू आर गेटिंग इको ऑब्लिक मैथ्स ऑब्लिक स्टैट्स एंड आपको जेवियर्स में बी कॉम मिलता है तो आई विल प्रेफर बीकॉम अगर मेरे को दोनों में ऑप्शन दिया जाए तो मैं जेवियर्स का बीकॉम प्रेफर करूंगा क्योंकि बीकॉम अगर कोई करता है ना तो उसका टाइम भी कम लगता है बिकॉज इको मैथ्स स्टैट्स खुद का पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाता है वो आपको हेल्प करेगा सीएमसी एग्जाम्स में हेल्प करेगा ऐसा नहीं कि सारे तेरह के तेरह पेपर्स में आपको हेल्प करेगा ठीक है तो बेसिकली पीपल फ्रॉम इंजीनियर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दे कैन बी वेरी गुड इन दिस कोर्स ओके बिकॉज दे कैन गेट होल्ड ऑफ द मैथ्स एंड स्टैट्स कॉन्सर्ट रियली वेल ओके एंड ऐसा नहीं है बिकॉज आवर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हुटली क्वालिफाइड आफ फ्रॉम बी कॉम बीबीए बैकग्राउंड सो दे आर इक्वली

Uh, लोग ये भी पूछते हैं कि वॉट इज द ड्यूरेशन सो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स मैंने बात किया है पूरे uh, की टाइम की चार से छह साल आपको लगभग लगेंगे अगर आप रेगुलरली चार से पांच घंटे पढ़ते हो रोज ठीक है ना सो दैट्स दैट्स द थिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ पेपर्स सो कॉस्ट ऑफ पेपर्स की अगर हम लोग बात करेंगे सो आई एफ ओ ए से लगभग लगभग मैं एकदम अप्रोक्सीमेटली एक बात करता हूँ लगभग लगभग हर पेपर का आपका जो कॉस्टिंग आता है वो आता है ट्वेंटी के ठीक है एंड वही अगर आप आई की बात करोगे तो लगभग लगभग आपका फिफ्टीन थाउजेंड का कॉस्ट आता है सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ फाइव थाउजेंड इन एवरी पेपर सो बाय द टाइम यू आर अ ग्रेजुएट इफ यू आर गिविंग रफली एट एग्जाम्स एट टू नाइन एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो आपका पचास हजार का एग्जाम फीस में फर्क आएगा ठीक है दोनों में जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट से अगर आपको देना है तो आपको पहले एसेट क्लियर करना पड़ेगा एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका सिलेबस में आपका आता है मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन इंग्लिश ये पांच चीज आता है इसका सिलेबस में तो बेसिकली इसका आपको पैसा देना पड़ेगा थ्री थाउजेंड इसका है फिर आप मेंबरशिप का दोगे लगभग तीन हजार रुपया तो और आई का जो मेंबरशिप है रिसेंटली दे हैव सो वो आपका लगभग साढ़े तेरह चौदह हजार के आसपास आता है सो अगर आप पूरा चार साल का अपना ग्रेजुएशन का बात करोगे तो दोनों इंस्टीट्यूट का कॉन्टेंट बिल्कुल सेम है मतलब पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल सेम है दोनों इंस्टीट्यूट लेकिन अब एक दूसरे को नहीं देते जैसे मेरे टाइम पे क्या था आई 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 एफ ओ कोई को एग्जामेशन को देता था बट अभी बंद हो गया है so, सो अगर आई आई से करना है तो पूरा आई आई से करना है आई एफ ओ से करना है तो पूरा आई एफ ओ से करना है दोनों इंस्टीट्यूट का पास रेट आई एफ ओ का जो पास रेट है वो लगभग लगभग तीस से पचास परसेंट होता है ठीक है तीस से पचास परसेंट होता है और आई आई का जो पास रेट है वो थोड़ा सा वोलेटाइल है वो आपका पांच परसेंट से लेकर के पचास परसेंट तक कुछ भी हो सकता है इट कैन गो एज लो एज फाइव परसेंट ऑल्सो इट कैन बी एज हाइस फिफ्टी सिक्सटी परसेंट ऑल्सो सो एल नॉट से आई आई से नहीं करना चाहिए आई आई इज ऑल्सो वेरी गुड जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है वो आई से भी निकालेगा और वो आई से भी निकालेगा मान लीजिए अगर कोई पेपर के लिए आई में आप तीन घंटा पढ़ रहे हो तो आई में आपको चार घंटा पढ़ना पड़ेगा बस इतना सा ही फर्क है ठीक है ना सो so, आई के भी रिजल्ट अभी पहले से बहुत इंप्रूव हो गए करेंटली देर रनिंग अप्रोक्सिमेटली फिफ्टीन टू फिफ्टी परसेंट एंड इन द फ्यूचर ईयर होप्स वो लोग और इसको बढ़ाएंगे ठीक है ना सो so, बेसिकली बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑल्सो इज वरीड अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई सो अगर मान लो सबको निकाल देंगे दें देर नीड टू वरी अबाउट द जॉब्स ऑल्सो सो बेसिकलीट सगेंड नथिंग बट मार्केट में जो एक्स और एसओ ए की अगर हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग एसओए एग्जाम्स का बात करेंगे सो एसओलो करेंटली ऑफरिंग सम स्पेशलाइज रेट इन इंडिया एंड पाकिस्तान सो बेसिकली एसओए का आपका एक अलग रेट चार्ट है जहां पर लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए वो लोग का जो एग्जाम्स है उसमें देयर ऑफरिंग अ गुड डिस्काउंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स So basically, I will just drop the link in the video where you can uh, see all the uh, rates of, for Indian students, they are having some specialised discount schemes which currently they are running at a pilot test basis for all the Indian students, okay. So this is the society of actuaries US uh, they are doing because they are actively promoting their society in Indian uh, markets because in India a huge number of students they are pursuing actual science because of the job opportunities because for a global Johabe hub hai, wo aane wale, पांच साल में वो इंडिया में बनने वाला है बिकॉज मैं एक छोटी सी कंपनी का एग्जाम्पल लूंगा नाम नहीं लूंगा एक कंपनी तीन सौ लोग काम कर रहे हैं सो बेसिकली so kind of okay? so, ऐसा नहीं कि सब कंपनी इस तरीके से बढ़ा रहे हैं बट काम आ रहा है तो टीम गई ठीक है ना सो so, ये था उसके बाद में वी कैन टॉक अबाउट सम पॉसिबल कॉम्बिनेशनिकलीस uh, so के साथ आईट सजेस्ट टू एनी कोर्स एक्स के साथ मेंजेस्ट डू एनी कोर्स एक अगर कोर्स एक्चुअलीस के साथ में जाता है तो वो जाता है एफ आर एम का विच इज फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट अब जैसे मान लो ऐसे तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ जैसे मैंने सी एक्चुअली किया है तो ऐसे तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो बट अगर कोई बच्चा चालू कर रहा है तो मैं उसको सिर्फ एक्चुरीज ही करने बोलूंगा उसके संग और कुछ भी दरकार नहीं है अगर मान लो आप कंपनी में जाते हो कंपनी बोलता है आपको सी एफ ए करना है सीए करना है सीएस करना है एम बी ए करना है तो कंपनी आपको अपने पैसे कराएगा। बट अभी आप सिर्फ एक ही कोर्स पे एक्चुअलीज बट अगर आप बैंकिंग वाले फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो एफआरएम एक, एक ऐसा चीज है जिसमें आप थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकते हो बट डेट टू वंस यू कंप्लीट एक्चुअलीज और यूर अबाउट टू कंप्लीट एक्चुरीज ठीक है ना बट ऐसा कुछ नहीं है अगर आप करेंटली

देखिए कंटेंट जो है वो इंश्योरेंस पेंशन बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट इन सबसे रिलेटेड है सो इफ यू लाइक गोइंग इनटू दिस फील्ड्स यू कैन एक्सप्लोर नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन एंटर सो बेसिकली द फर्स्ट एग्जाम हमारे इंस्टीट्यूट में ए में वी आर हैविंग सी बैच स्टार्टिंग फ्रॉम नाइन्थ ऑफ अप्रिल एन अवर सी एस वन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्टीन ऑफ मे सो बेसिकली सी का जो हमारा फीस है दैट इज थर्टी एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर सी एस वन नॉ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हमारे यहाँ पर बेसिकलीस कोर्सेज पास गारंटी कोर्सेस ओके सो बेसिकली जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा हो सो एक बार में ही क्लियर हो जाए आपको 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 अलग से और कुछ भी आ, आ, बार बार एडमिशन नहीं लेना है सो पास गारंटी वर्ड मैंने यहाँ पर इसलिए यूज किया है बिकॉज जब तक आपका पेपर नहीं क्लियर रहेगा तब तक आपको हम लोग गाइडेंस ट्रेनिंग मेनिटरिंग सब प्रोवाइड करेंगे ये yes. But there is a small extension fee of Rs. 1000 rupees to be paid every attempt. So, for example, currently you're taking admission for uh, September 24 attempt. In case if you don't clear or you want to defer, then up to 1000 rupees extension fees dina padega for the extension of your AIQ forums and as well as the videos. The rest of the live class sabkuch, You will get access to all the latest materials. Now we also send uh, relevant hard copies. Of resources, soft copies, mock test, 100% live classes, 100% recorded lectures, doubt solving on AI Q forums, one-to-one -one mentoring. Uh, basically, you can book one-to-one -one, uh, counseling sessions with our counselors and mentors. Okay, you can raise ticket in Q forum through. A, and currently, institute is also planning to move towards MCQ. So we are also having MCQ test questions for your practice. Okay, so basically all these deliverables are there. We are having 100% placement assistance, placement related training.

पटवारी एंड शिवांगी अगरवाल टेक्स अपर बी पार्ट शीज अड एक्चुअली ओके सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट सी एस वन से चालू कर सकते हो यू कैन टेक द एडमिशन एंड बेसिकली यू कैन स्टार्ट विद द रिकॉर्डेड लेक्चर एंड जब हमारा लाइव क्लास चालू होगा तब सारा लाइव क्लास भी कर सकते हो ठीक है ना देर आर वी कैंड डाउट सॉल्विंग सेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स बिकॉज बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी करते हैं So, basically, these are the batch details. Baki, you can get in touch with us on 8100 598 for more details. Okay. So, this is the thing. And just let me check what all else we can discuss. Uh, yeah, basically, so we have discussed uh, subjects, areas of work, and any more uh, video that you want me to make regarding this course, uh, that you can tell me in the uh, comments box. Okay, and basically, the areas of work is something that we have already discussed. So, life insurance, general insurance, health insurance, there is pensions, there is data analytics, there is equity, stock markets, banking. Okay, there is big six. There are small consulting firms. There are small consulting firms coming up. Again, there are work from home companies of different uh, uh, countries. They are offering jobs to Indians. Okay. सो दीज आर द थिंग्स एनी एक दो क्वेश्चन और है जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स सा आपका बी एस सी नेचुरल साइंस भी प्रोवाइड करते हैं सो so, बेसिकली आप वो भी एज अ ऑप्शन देख सकते हो बट एज पर माई नॉलेज इफ यू आर क्लियरिंग पेपर्स पेपर्स क्लियर करना इंस्टीट्यूट से दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू ओके सो दैट्स अगेन द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड येस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स बॉक्स थैंक यू